जिला प्रशासन ने डीपी सिंह साहब जब कलेक्टर साहब थे तो हमें संस्था को जिसका नाम है श्री दिगंबर जैन दशावतार समाज संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, इसको हमें गवर्नमेंट ने अपने रिजर्व प्राइस पे हमें एलोटी की और हमारा प्लान था कि इसके लिए कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग बने और साथ में कुछ दीवारें बचाए। तो जैसा होता है चीज तो तभी होती है जब उसका योग आता है, तो इसका योग आया है। तो हमने 2019 के अंदर जो है कि नींव की मुहूर्त रखा, इसको हम शिलान्यास कहते हैं। तो मंदिर का शिलान्यास हमने 2019 में रखा। जो आत्मा
हो गया, सिद्ध हो गया वो भगवान। महावीर स्वामी भी श्री राम भी उसी तरह से अपने जीवन में लोगों को मार्गदर्शन किया, तप की, साधना की, आचरण मर्यादा का पाठ पढ़ाया, खुद के जीवन को विशुद्ध किया और भगवान बने। तो महावीर स्वामी के अधिनाथ भगवान की पंच कल्याण मतलब गर्भ में आना, जन्म होना, जन्म के अंतर्गत ही उनका जीवन समेट लेगी किशोरावस्था युवावस्था, फिर राज्य करना, राज्य करने के बाद तप में जाना, तपस्या दीक्षा कल्याण कहेंगे तीसरा, चौथा कहेंगे कि उनके कठिन तप के बल पर उन्हें जो सुप्रीम नॉलेज हुआ, केवल ज्ञान हुआ, बोधि की उत्पत्ति ही गौतम बुद्ध को कहते हैं बोधि की उपलब्धि हुई। तो उस तरह से वो केवल ज्ञान चौथा कल्याण, पर अंतिम पांचवा है मोक्ष कल्याण, मतलब संसार के सारे जंजाल से, विकार से, वासनाओं से वह आत्मा पार हो गया। ऐसे पंच कल्याण महोत्सव 5 दिन तक मनाए जाएंगे और इन पंच कल्याणों में हम इंसानों को सीखने के लिए ये है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन में शांति हो, सुकून हो और हम आम लोगों के लिए, समाज के लिए बाधक न बन करके साधक बने, अनुपयोगी न बन करके उपयोगी बने, हमारी उपस्थिति फूल की माफिक हो कि जहाँ फूल रहता हो सुगंध, खुशबू और मुस्कान आप वहाँ फैलती है, वैसे हम जहाँ उपस्थित हों वहाँ एक तरह का आनंद, एक तरह की खुशी, एक तरह का अभय का माहौल बने। तो ये पंच कल्याण महोत्सव के 2 दिन बाद ही 14 तारीख को भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पूरे उदयपुर में, पूरे राजस्थान में और देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जहाँ से जैन सेंटर से हैं या भारतीय लोग हैं वहाँ महावीर स्वामी को अर्घ समर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो यह महामंगलकारी महोत्सव 14 तारीख को होगा। देश में जिस जमाने में उनका जन्म हुआ उस समय भयंकर अंधकार था, भयंकर बलि प्रथा थी, असहिष्णुता और अराजकता बहुत गजब की थी, क्योंकि उस समय भी गणतंत्र था वैशाली गणतंत्र, लेकिन गणतंत्र गणतंत्र जैसा नहीं था। बुद्ध की जन्मस्थली कपिल वस्तु को भी गणतंत्र कहते हैं, लेकिन उस समय के गणतंत्र गणतंत्र जैसे सिर्फ नाम के थे, बाकी वो तो नजवाड़ा टाइप के हो गए थे। तो वैसे विपरीत माहौल में भी अपनी खुद की पुश्तैनी राज संपदा को छोड़ करके और उन्होंने कठिन तप का मार्ग जनजीवन की सुख समृद्धि के लिए लिया। पहले उन्होंने अपने आप को तपाया, अपने आप को साधना में खपाया और जब उन्हें केवल ज्ञान की सुप्रीम नॉलेज की उपलब्धि हुई तो उन्होंने जनता को भी उपदेश दिए। आज तक भी महावीर स्वामी के कहिए महापुरुषों के संदेश हमारे बीच में किसी ना किसी रूप में उपस्थित हैं और जब हम याद करते हैं तो जीव और जीवन का संदेश आता है, अहिंसा परम धर्म का नारा आता है, परस्परोपद्रवो जीवानाम का सूत्र बहुत गजब का सूत्र है, परस्परोपद्रवो जीवानाम, इसका मतलब चूंकि संस्कृत का सूत्र है इसका मतलब है कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे इंसान एक दूसरे से मिलके रहें और परस्पर उपकार करें। उपकार करना, एक दूसरे के जीने में सहयोगी बनना, एक दूसरे सुख शांति में सहयोगी बनना। अभी जो दुनिया में चल रहा है यूक्रेन का, रशिया का, वास्तव में धरती के लिए सारी नुकसानदायक चीजें हैं। प्रत्येक देश की अपनी संप्रभुता है, अपनी अखंडता है, अपने सिद्धांत है, सारे लोगों को अपने अच्छे ढंग से जीने की आज़ादी है और सारे देशों को भी अपने ढंग से रहने का एक आज़ादी कहिए, अधिकार कहिए, होना चाहिए। एक दूसरे की सीमा में अतिक्रमण करना या एक दूसरे की विचार को सहन नहीं करना ये भी नुकसानदायक चीज है। हम एक दूसरे को समझें। बहुत सारी मान्यता के लोग हमारे देश में रहते हैं, बहुत भाषाएं हैं, बहुत पहनावे हैं, बहुत तौर तरीके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की संस्कृति में सब ये ढंग से रचे बचे हैं। जैसे कि
एक बाग में विभिन्न तरह के फूल होते हैं और सब एक साथ खिलते हैं, सब एक साथ मुस्कुराते हैं और बाग की शोभा में कई गुना बढ़ जाती है। और इस ढंग से इंसान भी सोच के चले कि सबकी अहमियत है। इंसान तो ठीक, जानवरों की भी अपनी अहमियत है, पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की भी अपनी कीमत है। जब बायोलॉजी की बात करें या इस तरह के दूसरे सब्जेक्ट पर जाए तो कृषि विज्ञान पर जाए तो कहते हैं कि कीड़े भी अपनी जगह जरूरी है, खेती के लिए कैचुए भी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण गए, मोक्ष गए, 2548 साल हो गए, 2548 वर्ष चल रहा है काल गणना के हिसाब से। मतलब हम देखें कि सबसे पुराना संवत अपने देश में प्रचलन में अगर कोई है तो इसी संवत तो अपन ने अभी मनाया विक्रम का, लेकिन उससे प्राचीन है 500 साल पहले महावीर स्वामी वाला ही संवत। तो जो लोग पंचांग में भरोसा करते हैं और अखबार में प्रिंट मीडिया में ज्योतिष का कालम छापते हैं उनको महावीर निर्वाण संवत भी छापना चाहिए। इससे बिगड़ेगा कुछ नहीं बल्कि हमारी संस्कृति के 500 साल पुराने एक संवत और लाइट में आएगा कि ईसा की 500-600 सदी पहले भी हमारे यहाँ कोई संवत चल रहा है। महावीर स्वामी के लिए अपन क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए बहुत किया। भले हम भूल जाए, भले हम उन्हें जाति में धर्मों में बांट दें, लेकिन उनके जो सिद्धांत है आज अहिंसा अनेकांत सत्यवाद की बात बड़े से बड़े लोग और बड़े से बड़े देश करते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि जिस दिन उनका जन्म उत्सव आ रहा है उस दिन हम एक अच्छा सा कवरेज दें, उनके सिद्धांतों को सूत्रों को आम जनता के बीच में लाएं। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उनके कुछ सूत्रों को कई सारी बातों को अपने जीवन में ढाला और कानून में भी ढाला और जो समतावाद का वो सिद्धांत लाए वो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध से लाए हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं और अपन इनका विस्तार करें। देश की समृद्ध समरसता में अपन भी सहयोगी बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए महावीर भगवान की।